हेलो एवरीवन, यू वाचिंग न्यू एरा। गाइस, पिछली बार जेई मेन में इतनी बार जेई मेन की डेट्स पोस्टपोन हुई कि ये क्वेश्चन तो बनता है कि क्या फिर से जेई मेन की मतलब डेट्स में डिले हो सकता है। मतलब जैसे कि और टाइम पे क्या होता था कि पहले ही पता चल जाता था, इस टाइम पे बहुत सारा कुछ आइडिया लग जाता था कि कब एग्ज़ाम होगा, क्या कैसा होगा, बट इस बार ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है। और बहुत सारे बच्चे पैनिक भी हो रहे होंगे, मतलब घबरा भी रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये थिंकिंग आ रही होगी भाई मेरी तैयारी नहीं हुई है, कब एग्ज़ाम होगा, या फिर कब एग्ज़ाम होगा मैं उसके हिसाब से तैयारी करूँ। ऐसा बहुत सारा बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो पहले तो यार एक बात बता दूँ कि जैसे कहते हैं ना कि कयास लगाए जा रहे थे, तो ठीक उसी तरह कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही वाला हाल है, मतलब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो है नहीं, ठीक है ना। और प्लीज़ इसको एकदम ऐसे मत लेके चलिएगा कि कोई भ्रमक आपको भ्रमित करने वाली जानकारी दी जा रही है, ठीक है। जैसे मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, ठीक उसी तरह मैं आपसे भी अपना आपका ओपिनियन मांगूंगा, ज़रूर मांगूंगा, ठीक है। देखो यार, कुछ पॉइंट्स है जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए जेई मेन और नीट से रिलेटेड। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नीट से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं करेंगे, नीट डिले होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो मई की बातें हैं और अभी बहुत समय बाकी है उसके लिए। सो नीट का यहाँ पे अपन डिस्कशन ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपन जेई मेन के लिए बात करें जो कि जनवरी में होता था, है ना। और इस बार ऐसा हुआ है कि अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुआ, ना ही रजिस्ट्रेशन का डेट अनाउंस हुआ, ना ही एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हुआ। मतलब जेई से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक बातें नहीं की जा रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, नो प्रॉब्लम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या जेई में नीट पोस्टपोन या जेई को डिले कराने के पीछे कोई एक जिसे कहते हैं बेसिक सा, एक जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई एक ज्वलंत मुद्दा होगा कि जिसके बेसिस पे जेई की डेट्स डिले हो सकती है। मतलब क्या ऐसा है कि कोरोना को देख करके डिले कराया जाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे ऐसा डिसाइड किया जाए। क्यों ऐसा आप कहोगे, क्यों कोरोना के ज़्यादा केसेस हो जाएंगे तो क्यों नहीं पोस्टपोन होगा, क्यों नहीं डिले होगा, हमारी गवर्नमेंट डिले क्यों नहीं करेगी? तो देखो यार, अभी तुम्हें एक बात बता दूं मैं कि कोरोना का एक नया लक्षण पता चला है। WHO वाले जो चाचा आते हैं ना चश्मा लगा के, वो बताए हैं कि सबसे अच्छा लक्षण ये पता चला है कि जो कोरोना है ना वो चुनावी रैलीज में कभी नहीं फैलता, ठीक है ना। चाहे वहां पे एक लैक्स मतलब लैक्स ऑफ मतलब जो वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाए उस पर नहीं फैलता, कभी नहीं फैल सकता। मात्र वो यदि दूर दूर बच्चे बैठाए गए हों स्कूलों में तो उनमें ज्यादा फैलता है, समझ रहे हो आप लोग। यदि मान लो कि छठ पूजा हो जाए तो उसमें ज्यादा फैलता है, ठीक है ना। मान लो कि मंदिरों में कोई लोग चले जाए, 4-5 लोग एक साथ, तो वहां ज्यादा फैलता है। ऐसा कोरोना का लक्षण पाया गया है, आप सब लोगों ने देखा होगा ये बात। ये मैंने आप लोगों को एक मजाक के रूप में बोला ये बात, मैंने ये एक तरह से टॉन्टिंग करी है कि भैया कोई भी ऐसा वो है ही नहीं, जहां उल्लू सीधा हो रहा होता है उस हिसाब से अपने हिसाब से पॉलिसीज या अपने हिसाब से रूल्स बना लिए जाते हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है ना। तो हम ऐसा कुछ नहीं देख कहने वाले कि बेस्ड ऑन कि कितना कोरोना का केसेस है उसके बेसिस पे हम बोल दें कि जेई में नीट डिले होगा, है ना, या जेई में डिले होगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहे हैं कुछ चीज़ों की तरफ। जैसे पहला ये है कि प्रोसेसिंग जो होती थी, मतलब रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों का वो कहीं ना कहीं इस बार डिले हो रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि हो सकता है कि जेई मेन की डेट्स में डिले होंगे इस बार। थोड़े बहुत डेट डिले देखने को मिल सकते हैं, थोड़े बहुत, या कंडीशन ज़्यादा ख़राब हुई तो ज़्यादा डिले देखने को मिल सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी तक कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है ना। ना ही ये बताया जा रहा है कि पेपर की डेट्स कब से होंगी, ना ही रजिस्ट्रेशन के बारे में आइडिया दे रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इसलिए भी ये नहीं कर रहे क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जेई मेन का पहले डेट अनाउंस हो गया, फिर बाद में पोस्टपोन हुआ, फिर पोस्टपोन के लिए बच्चे ट्राई कर रहे थे, है ना। और इन सब चीजों के चक्कर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट इस बार फूक के कदम रखना चाह रही है, मतलब समझ रहे हो ना। वो तो आप लोगों ने सुना होगा कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। तो वही चीज यहां पे है कि भाई पिछले साल ऐसी कंडीशंस क्रिएट हुई कि इस साल शायद तक कोई अनाउंसमेंट देना ही नहीं चाह रही गवर्नमेंट पहले, है ना। वो ये चाह रही है कि भैया चीजें एक बार कंट्रोल में आ जाए, वंस एवरीथिंग इज फाइन देन वी विल अनाउंस, है ना, ऐसा वो लोग सोच रहे होंगे, हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं तो यहां पे स्कूल से रिलेटेड एक नया वो आ गया डिसीजन कि 31st ऑफ दिसंबर तक कोई भी रीओपन नहीं होगा, स्कूल्स, कोचिंग, कुछ भी रीओपन नहीं होगा, है ना। मतलब छोटे बच्चों के लिए ऐसा है, और जो बड़े बच्चों का है वो नियमित रूप से उसी तरीके से चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था, ऑनलाइन ऑफलाइन डाउट पूछने आ सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को शो कर रहा है कि जब 31 दिसंबर तक हुआ और उसके पीछे क्या बात बताई गई है कि 90% पेरेंट्स असहमत
सहमत है अपने बच्चों को स्कूल्स भेजने में, है ना, वो सहमति नहीं जता रहे हैं। मतलब ये है कि आगे चल करके इस चीज़ को आधार बनाया जा सकता है एग्जाम्स को भी डिले कराने में, कि भाई पेरेंट्स सहमत ही नहीं है कि आप आए और एग्जाम वहाँ पे मतलब दे, मतलब बच्चा आपका आए और एग्जाम दे, ऐसा चाहता ही नहीं बच्चा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं। इसके अलावा जो मुझे लग रहा है कि बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस हुआ, आप सब ने देखा, हो सकता है कि फिर से अब कुछ टॉपिक सुनने में आए कि उनको हटा दिया गया, कुछ रिड्यूस कर दिया गया है, कुछ टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये सोच रखी जा रही है कि यदि किसी वजह से स्कूल्स या कोचिंग्स ओपन नहीं होते, उसके बावजूद हमारा ये साल बर्बाद ना हो, सिलेबस कम कर दो, कम टाइम में जो भी पढ़ाया रहेगा उसी के बेसिस पे एग्जाम ले लेंगे और जिसे कहते हैं ये साल मान लिया जाएगा, ठीक है ना। जीरो ईयर घोषित नहीं किया गया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जीरो ईयर घोषित करना चाहिए था, बट नहीं किया उन लोगों ने पहले, तो कोई इशू नहीं। अब जो भी है हमारा है, उसको जीना है, हमारी लाइफ है, है ना। और देखो यार, यही तो अंतर होता है, यूएसए में जीरो ईयर घोषित कर दिया गया था क्योंकि पेंडेमिक को शायद तक उन लोगों ने ज़्यादा दूर तक देख लिया, हम लोगों ने शायद तक यही देखा कि अप्रैल में फिर से ओपन हो जाएंगे चीजें, फिर हम लोगों ने सोचा सितंबर में सब अच्छा हो जाएगा, फिर हम लोगों ने सोचा कि दिसंबर में सब अच्छा हो जाएगा, और अभी वैक्सीन के बारे में पता चल रहा है कि 31 अप्रैल में आपका 30 अप्रैल तक जाएगा, तब जाकर के वैक्सीन आ पाएगी मार्केट में, और उसके बावजूद जिसे ये बोला गया है कि वो भी वैक्सीन पहले किसको दी जाएगी, उन लोगों को दी जाएगी जिनकी एज 65 से ऊपर है, या जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको दी जाएगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैटर करेंगी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करेंगी चीज़ों को डिसाइड करने में, है ना। तो अभी के हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि यार जेई मेन नीट के जो मेनली जेई मेन का डेट्स है उनमें डिले देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा, आप लोगों का बड़ा भाई होने के नाते, कि यार देखो हमें रेडी रहना है, हमें ये मान के चलना है कि जनवरी लास्ट तक में जेई मेन का पेपर होगा ही होगा, हमें ये मान के चलना है ना, हमें ये लेके चलना है कि भाई जनवरी जेई मेन लास्ट तक में पेपर होगा, उसके हिसाब से हमारा सिलेबस पूरा रहे। जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा हम उसे एज अ प्रैक्टिस यूज़ करेंगे, मतलब प्रैक्टिस टाइम के रूप में उसे यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, हम उस रिमेनिंग टाइम पे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा टेस्ट देंगे। लेकिन हम ये सोच के अभी से ना चलें कि भाई अब तो जेई डिले होने वाला है बहुत ज़्यादा, तो यार आराम से हौले हौले दो दो घंटे पढ़ो, तीन तीन घंटे पढ़ो मुश्किल से में ना। अभी भी मैं बोलूंगा कि फुल स्पीड में आप लगे रहिए, बिना कुछ डिस्टर्ब हुए फुल स्पीड में लगे रहिए जैसे आप लगे हुए हैं, ओके गाइस। और बहुत जल्दी हम लोग आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स का भी अनाउंसमेंट लाने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे, सो प्लीज मेरा सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पैनिक मत होइए, वंस द डेट्स आर अनाउंस्ड, मतलब ये चाह रहे हैं हम कि डेट्स अनाउंस हो तो फिर उसके दो महीने पहले, क्योंकि एक डेढ़ महीने पहले डेट अनाउंस होंगी मोस्ट प्रोबेबली, है ना, तो हम लोग उसी टाइम पे मतलब ये क्रैश कोर्स पूरा स्टार्ट करने की प्लान कर रहे हैं, ओके गाइस। So, hope so कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, जेई मेन डिले भी हो सकता है ऑन टाइम भी हो जाए। सो मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या चाहते हो, है ना, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, क्लियर है, क्योंकि यार ऐसे ही तो धीरे धीरे करके पूरी कम्युनिटी का ओपिनियन पता चलता है कि लोग चाहते क्या है, ठीक है। और बाय द वे मैं ये शुरुआत नहीं कर रहा हूं पोस्टपोन डिले और इन सारी चीजों की, मैंने बस इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर फिर से डिले होगा ना सर, तो उनको बताना चाहता हूं कि भाई डिले हो भी सकता है, लेकिन तुम तैयारी किए रहो एग्जाम्स के लिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि डिले होगा मतलब कंफर्म होगा ही होगा, यदि नहीं हुआ तो क्या करिएगा। जैसे चुनाव में मान लीजिए नहीं फैला कोरोना, यदि मान लीजिए एग्जाम में भी नहीं फैला कोरोना का एक नया लक्षण पता कर लिया गया, मान लीजिए आगे चल करके कि कोरोना एग्जाम में भी नहीं फैलेगा, नहीं फैलता वो उस दिन वो शांत बैठेगा, समझ रहे कि नहीं, तो सिंपल सा लॉजिक एग्जाम करा दिया जाएगा, तो फिर क्या करिएगा। तो इसीलिए पहले से आप तैयार रहिए बिना किसी टेंशन के, ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर।